मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। ये मेरे पास 26 जून का राहुल गांधी का ट्वीट है, जिसमें वो ये लिख रहे हैं, व्हाइल आर पीएम टिपटोज अराउंड हिज गार्डन मेकिंग योगा वीडियोस, इंडिया लीड्स अफगानिस्तान, सीरिया, सऊदी अरेबिया एंड रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, व्हाट अ शेम फॉर आवर कंट्री। अरे कांग्रेस के दफ्तर में भी तो बेटी बचाओ अभियान होगा, कब होगा? राधिका जी, कैन यू हियर मी? राधिका खेरा हमको सुन नहीं पा रही हैं। ठीक है, गौरव भाटिया कैसे ले रहे हैं इन आरोपों को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको अभियान याद होगा, उसमें बार बार ट्वीट कर करके इसी आईटी सेल से ट्वीट किया गया था, और इसी आईटी सेल में कार्यरत ये महिला मैसेजेस कर रही है, मेल कर रही है, राहुल गांधी है उसमें, उस मेल में बकायदा एआईसीसी ग्रीवेंस सेल चेयरपर्सन है मिसेस अर्चना डालमिया, उनको बड़े बड़े खत लिखे जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। दिव्या स्पंदना आज ये बताती है लिखकर कि भाई हमने तो पूरी छानबीन कर ली है, ऐसा हमें कोई भी मेल कोई भी शिकायत नहीं मिली है, पहले से बचाव, पहले से डिफेंस। रूबिका जी, आपने बिल्कुल अहम बिंदु उठाया है। बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय पार्टी अपनी एक वर्कर को सुरक्षा नहीं दे पाती है, सुनिश्चित कार्रवाई नहीं करवा पाती है, वो दूसरों के हक की लड़ाई क्या लड़ेंगी? और जो गलतियां हुई हैं और लीगली जो इलीगल एक्ट किए गए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। पहली बात, जब ये कंप्लेंट आई एक कोवर्कर की, उसकी स्थिति समझनी चाहिए थी। दिव्या स्पंदना को उन्होंने कंप्लेंट भेजी, दिव्या स्पंदना को चाहिए था सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट दें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कार्रवाई हो, जो कि नहीं दी गई। इसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई उन्होंने वो और ज्यादा निराशाजनक है और दुख देती है। उन्होंने एक इंटरनल सर्कुलर निकाल के बोला कि सारे कोवर्कर साइन करें और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का प्रयास किया जो एक्यूज्ड है चिराग पटनायक। क्या ये विधिक प्रक्रिया सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। पुलिस विवेचना करती है कि ठीक है, और जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी। एग्जैक्टली वही पॉइंट है। अरे आप विक्टिम के साथ खड़े रहेंगे या आप अक्यूज के साथ खड़े रहेंगे? फॉरन साइन करवाते हैं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं। राधिका जी, आप तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। रूबिका जी, मैं एक बात और कह दूं, कुछ टेक्निकल, प्लीज इसे ठीक करवाइए, आज बहुत जरूरी है। राधिका खेरा का लगातार हमसे बातचीत करते रहना, हमारे सवालों को सुनकर उसका जवाब देना, हम ठीक करवाने की कोशिश करते। सायरा, आप कुछ कहने की कोशिश कर रही थी या मैं अपने सवाल को लेकर आगे बढ़ूं? जी नहीं, एक्चुअली वो लाइन में डिस्टर्बेंस थी, आई वाज कनेक्टिंग इट विद द मेन ऑफिस, नाउ आई कैन हियर यू। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आप थोड़ा रिपीट कर सकती हैं? इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन INBA 2016 में एक सर्वे हुआ था, उसमें 38% महिलाएं वर्कप्लेस पर यौन शोषण का सामना करती हैं, जबकि 68.9% महिलाएं शिकायत दर्ज ही नहीं करवाती हैं। ये तो आलम है हमारे देश का। और ऐसे में बड़ी बड़ी ये राजनीतिक पार्टियां, इनके दफ्तरों में यौन शोषण होता है और उसको दरकिनार कर दिया जाता है। महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। जी देखिए, आप देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी है उनको ये बहुत ही कड़ाई से जो है ये जितना है जांच करनी होगी ये पूरे केस को, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर केस है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, और जबकि FIR भी दर्ज हो गई है, तो कांग्रेस की जो IT सेल है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि बहुत बहुत इंस्टेंसेस होते हैं कि वो लोग जो हैं सामने सामने बात नहीं करते और डायरेक्टली जाके FIR दर्ज कर लेते हैं। तो ये जो है जिम्मा ले लें और इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि कोई भी केस हो यौन शोषण का, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको ये मामला बहुत गंभीरता से लेना होगा, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी ग्रेव एंड सीरियस एलिगेशन जो लगाई गई है, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। और राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, BJP हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ऐसे मामलों को स्पेशली
पर्टेनिंग टू विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्कप्लेस, उसको तो बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। ठीक है, राधिका खेरा के पास मेरी आवाज जा रही है, थोड़ी देर से वो सुन पा रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर है, वो ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछूंगी, उसके 10 सेकंड के बाद वो शायद जवाब दे पाएंगी। राधिका जी, आप एक खुद महिला हैं, आपने तो पढ़ा होगा जी। उस लड़की ने जो शिकायत की है वो पूरा खत आपने पढ़ा है, वो मेल आपने पढ़ा है जी। आपने कैसा फील किया वो पढ़ने के बाद? देखिए रूबिका जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये कहा हुआ है कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी, उनकी अगर अधिकारों की रक्षा वो खुद करेंगे। और ये हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं आपको कह रही हूँ, कुछ भी अगर हुआ है तो उस पर जाँच की जाएगी। हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, जो उस लड़की ने हमारे को कंप्लेंट लिख के जो उसने अपना रेजिग्नेशन दिया था वो हमने आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, जो इंचार्ज है सोशल मीडिया की, उन्होंने ट्विटर पे सबके सामने पेश कर दिया है। लेकिन जो उन्होंने पुलिस में जाके बयान दिया है, जज के सामने जाके बयान दिया है, ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई थी। यदि आई होती तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करती। हमारे यहाँ पे कोई भी हो, चाहे महिला हो, कोई भी आवाज दबाई नहीं जाती, जो कंप्लेंट होती है उस पे बहुत सीरियस कार्रवाई करी जाती है। आवाज दबाई नहीं जाती है राधिका जी, लेकिन उसके बावजूद ये फिरोज, याद है ना आपको एनएसयूआई का अध्यक्ष, अभी तक वो कुर्सी पर बना हुआ है, बैठी हुई है, आवाज दबाई नहीं जाती, लेकिन जिनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है उनको और 10 कदम आगे बढ़ा दिया जाता है। राधिका जी, एक कमेटी फॉर्म हो चुकी है जिसके जो उस पर जांच करी जा रही है और क्या उस पर चीजें आएंगी वो सबके सामने ले आई जाएगी। लेकिन ये जो सरकार का गठन हुआ था, जो प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी, आप प्रधानमंत्री की आज बात मत कीजिए, मैं आज आपके दफ्तर में उस लड़की ने जो ये बड़ा सा खत लिखा ना मैम, ये पूरा खत मेरे पास है, हमारे पास ये सारे खत मेरे पास है, आपको तो ये खत मिले नहीं था, आप लोग तो बहुत बिजी थे ना सर, आप लोग बिजी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने के चक्कर में, तो आप कहां से पढ़ेंगे उस लड़की का वो लेटर? बिल्कुल ट्रोल करने की बात नहीं है, महिला हम पूछेंगे सवाल, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नींव रखी थी। मुझे आप इस लड़की के सेक्सुअल मिसकंडक्ट एक एक पैरा लिखा है, मैं पढ़ के बताऊं आपको क्या क्या आरोप लगा रही है वो चिराग पटनायक पर, कि कैसे वो बहाने ढूंढता था उसे छेड़ने के, कैसे वो कुर्सी के पीछे से दोनों हाथ आगे ले जाकर कीबोर्ड पर कुछ कुछ लिखने लगता था, कैसे वो हर बार बहाने खोजता रहता था। आप अक्यूज के साथ है या विक्टिम के साथ है राधिका जी? कोई कंप्लेंट आए हमारे को भी मीडिया के थ्रू ही, टीवी पे ही देख के पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी थी हमारे पास। उस लड़की का नाम मैंने उस लड़की का नाम डिलीट कर दिया है, लेकिन टू तो है ना, मैं टू बताऊं आपको किसकी, office@rahulgandhi.in कौन है, ये कहां जाते हैं कंप्लेंट, ये कहां जाता है office@rahulgandhi.in कंप्लेन अगर करता है, पुलिस कमिश्नर को ईमेल के थ्रू कंप्लेन होती है, वो FIR दर्ज कर लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है, जूही सिंह, राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है ये पढ़ लेने के लिए कि वो बच्ची क्या कह रही है। संजना, मैं आती हूँ आपके पास, जूही सिंह। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिट्ठी जैसा कि आपने पढ़ा बहुत डिटेल में है, हम सबके सामने है, तो मुझे लगता है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बाकी ये तो कांग्रेस पार्टी उनके इंटरनली बता सकती है, कंप्लेंट उनको मिली या न मिली, लेकिन प्रोफेशनल प्लेसेस में जो आपने आंकड़े दिए वो सही हैं, और IT सेल भी कांग्रेस पार्टी का एक प्रोफेशनल प्लेस ही है, अगर वहाँ पर किसी के खिलाफ भी हैरेसमेंट हुआ है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसमें आज के दिन में आप सही कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की बात करें या किसी और की बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महिलाएं हैं यहाँ पर और सभी लोग अपने अपने पार्टी में अपनी आवाज़ उठाती हैं। लेटर बहुत ही डिटेल है, अब इसमें सही क्या है या गलत क्या है ये तो मुझे लगता है कि कोई भी तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जूही, आप भी यही बात कह रही हैं, लेकिन दिव्या स्पिंद्रा जो IT हेड है वो ये लिख रही है, द टीम हैज आल्सो कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द करंट वर्कर बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम। बचाव कर रहे हैं आप अक्यूज का, आप कौन होते हैं, क्योंकि वो आपका करीबी है, और इस खत में लिख रही है वो लड़की कि कोई हाथ नहीं लगा सकता था चिराग पटनायक को, क्योंकि बहुत करीबी है वो दिव्या स्पंदना का। राधिका जी, डू यू अंडरस्टैंड, टुडे यू हैव टू स्टैंड अप एज अ वुमन एंड देन अ पार्टी वर्कर। हम अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उनका साथ देगी।
बिल्कुल साथ देगी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया हमारे पास इस बात की इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट नहीं थी। राधिका जी से हमारे पास जैसे ही कोई कार्रवाई निकाल दिया है नौकरी से, जब तक जांच चल रही है पूछना चाहूंगी क्या निकाल दिया गया है, पार्टी की कार्रवाई क्या होगी वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। समय गौरव जी, क्या आप लोगों ने कुलदीप सेंगर को आज तक पार्टी से निकाला? अच्छा आप गलत कर रहे हैं तो हम डबल गलत करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल राधिका जी, आप एक राजनीतिक पद पर होने के साथ साथ एक महिला भी हैं। अगर महिला होने के नाते अगर ये डिबेट करती तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आपने कहा उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, मतलब आप अभी भी एडमिट करने को तैयार नहीं है। अगर 164 का बयान हो गया है तो आप इसका मतलब जुडिशरी में भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि रोज आए दिन गलत मुकदमे दर्ज होते हैं, ये गलत बात है। राधिका जी आप एक महिला होने के नाते एक महिला की तरह पक्ष रखना सीखे। ठीक है आपने कहा अभी भी उसके साथ गलत हुआ होगा, तो गलत हुआ आप अभी भी एडमिट करने को रेडी नहीं है तो उसके साथ गलत हुआ है। राधिका जी प्लीज आप एडमिट पहले ही कीजिए कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है। 164 के भी बयान हुए उस लड़की ने दिए, जो भी है जब इतनी जुडिशरी के उसके बावजूद अगर आप उसको एडमिट नहीं कर रही, ये बहुत शर्मनाक पहलू है आप लोगों का। अगर आप राजनीतिक महिला होने के नाते भी बहुत खराब पहलू है आपका, और राजनीतिक पक्ष तो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि अगर इसमें इनिशिएटिव अगर पहले पार्टी बढ़कर लेती तो आपका रूप और आपका चेहरा कुछ और होता। आज महिला एंकर बैठी है, पूरा पैनल ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर है, आज एक महिला की तरह स्टैंड रखिए। दिव्या स्पंदना ने वो काम नहीं किया है, बट यू कैन डू इट। संजना क्या मैं बात कर सकती हूँ अभी? नमस्कार, फर्स्टली मैं ना ही बीजेपी से हूँ ना ही मैं कांग्रेस से हूँ, मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं साउथ इंडियन फिल्म्स में काम करती हूँ। मैं आप सबकी बातचीत इतनी देर बड़ी पेशेंस के साथ सुन रही थी, सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं जब बात कर रही हूँ कोई भी रिक्वेस्ट कोई भी मेरे बीच में ना बोले। फर्स्टली उस पर्टिकुलर विक्टिम लड़की पे लड़की के लिए मेरी पूरी पूरी हमदर्दी है, बट हमको ये बहुत ही इट्स टू अर्ली इन द आवर कि हम किसी को भी यहाँ पे आरोपी बुलाए, वो चाहे एक बीजेपी का मिनिस्टर हो या चाहे वो कोई कांग्रेस का मिनिस्टर हो, मुझे कोई मायने नहीं है उनसे, मुझे कोई संबंध नहीं है उनसे। बट मैं इस पैनल में बैठे हर एक एवरीबडी इज पॉलिटिकली कनेक्टेड, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग एक परमानेंट रूल क्यों नहीं निकालते इंडिया में, जहाँ की अगर इफ यू मोलेस्ट अ वुमन और इवन इफ यू लुक एट अ वुमन इन द रॉन्ग वे दे आर रियली पनिश्ड। आप लोग जब ऐसा कुछ हो जाता है तब बीजेपी वाले आ जाते हैं अपने पापर सेकने के लिए कि नहीं कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस वाले आ जाते हैं बीजेपी मुर्दाबाद। आप सब लोग सच में कोई सब्सटेंशियल स्टेप क्यों नहीं लेते ताकि इस पर्टिकुलर फसाद के जड़ तक पहुंच के आप ये वुमेन मोलेस्टेशन जो है जो पूरे भारत में हर ऑफिस में हर है ना नुक्कड़ में हर कॉर्नर में हर रोड में हो रहा है, आप सभी इतने बड़े पोस्ट में रह के कोई पेटिशन क्यों नहीं रेज करते? नहीं, उसके लिए जिगर चाहिए होता है ना, उसके लिए जिगर चाहिए होता है, फिर वो तवा गरम कैसे होगा जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएगी। संजना ये बहुत सिंपल बात है जो आप कह रही हैं, क्या बात कर रही है संजना? पूछता है लेकिन आपको लगता है ऐसे कोई खड़ा रह पाएगा, ऐसा कोई साथ दे पाएगा? नहीं, जो लड़की इनकी तो पूरी लड़की या महिला निडरता से रेखा अग्रवाल जी, रेखा अग्रवाल जी ठीक है पॉइंट है, मैं आगे इस पर डिबेट करूंगी, लेकिन एक सेकंड रेखा जी आप एक एडवोकेट भी हैं। रेखा जी एक तो ये दिव्या स्पंदना कौन होती है कमेटी बनाने वाली, जबकि उस उनके ऊपर खुद आरोप लग रहा है, जबकि वो खुद भी अक्यूज की जा रही है कि कैसे मिसबिहेव किया जाता था, उन्हें बकायदा इस बारे में बताया गया था और उसके बावजूद उन्होंने ना तो कमेटी बनाई, वो तो बाद में पता लगा कि मीडिया में मामला आने वाला है। तो आनंद फानंद में 28 तारीख की ये पूरी की पूरी घटना है और 2 तारीख को कमेटी गठन की जाती है, और वो कौन गठित कर रहा है? दिव्या जी, देखिए ये सारी आपकी जो खबर सुनी उससे साफ जाहिर होता है कि ये कुछ पॉलिटिकल मामला जो था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आदमी के ऊपर ये एक आरोप लगा है, और इस जब आरोप लगा तो नेचुरली जब इतना कीचड़ उछला है किसी के ऊपर तो अपनी इमेज बचाने के लिए पार्टी ने फटाफट ये जो कंप्लेंट कमेटी को गठित किया है, ये जिस सिर्फ एक आई वॉश है, सिर्फ एक दिखावा है, जिसको कहते थे कि लिप सर्विस करना, कॉस्मेटिक काम किया गया है, जबकि जो नया कानून आया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम हैरेसमेंट सेक्शन
सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उस कानून के तहत हर संस्था जहां पे 8 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जहां पे महिलाएं होती हैं, वहां पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठित होना मैंडेटरी है, यानी कि कंपल्सरी है। और अगर वहां पे ये कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित नहीं करी गई, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अपराध है। ये इस कानून के तहत ये अपराध है कि अगर आपने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC पहले से गठित नहीं कर रखी हो और उसके अंदर जो एक आउटसाइड मेंबर नहीं हो। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस कमेटी के अंदर आउटसाइड मेंबर कौन है? इसके अंदर कौन सा सोशल वर्कर या कोई लॉ एक्सपर्ट है जिसके अंदर इस कंप्लेंट के अंदर, कमेटी के अंदर आपने इन्वॉल्व कर रखा है? तो ये सारा एक दिखावा है। और ये जैसे मैंने आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने अगर कमेटी को नहीं फॉर्म कर रखा था और वहां पे एक पब्लिक प्लेस के ऊपर अगर आपने ये नहीं लिख रखा था कि देखिए यहाँ पर हमारी यहाँ पर ये ICC है जहाँ पर कोई भी महिला अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती है यौन शोषण के खिलाफ, तो ये सिर्फ एक तमाशा है। और राहुल गांधी बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना मेल नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं। कौशल विद्यार्थी कौन है? उनको भी सीसी किया गया है, सेक्रेटरी है ना वो राहुल गांधी के, वो बता देते। राधिका जी, माय क्वेश्चन इज टू यू, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही आज, बहुत लॉस्ट है आप। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं लॉस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दो नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। राहुल गांधी को मैसेज भेजा गया, मेल भेजा गया, और जो ग्रीवियंस सेल चेयरपर्सन है अर्चना दालमिया, उनको भेजा गया, साथ में कौशल विद्यार्थी के पर्सनल ईमेल पर भी बकायदा इसे मार्क किया गया था। कौन है वो? देखिए रूबिका जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई थी, और ये बात सोशल मीडिया के इंचार्ज ने पब्लिकली बोली भी है, और जो लड़की ने हमारे को रेजिग्नेशन दिया था, वो हमने आपके सामने दिया। मैं लड़की के मेल आईडी को प्रूफ मानूं या आपके बयान को प्रूफ मानूं? अगर आप कह रही हैं कि मेल आई है, इसके कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, उसके साथ खड़ी रहूं, आज आप डिसाइड कीजिए। हमारे पास कोई मेल नहीं आई है। आप बार बार मेल की बात कर रहे हैं राधिका जी, एक सीधा सा प्रश्न है, अगर आप हमारे पास के साथ है, एक्सक्यूज के साथ है, ये बताइए राधिका जी, राधिका जी कैटेगोरिकली ये बात बोल रही हूँ, अगर कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आती है इस राधिका जी, अब कंप्लेंट नहीं आई है से लेकर, राधिका जी, तो कांग्रेस पार्टी जरूर निश्चित तौर पे उस पे सीरियस कार्रवाई करती है। हमने कमेटी बनाई, चाहे वो NSOI का केस हो, आप मुझे कोई भी राजनीतिक पार्टी बता दीजिए जिन्होंने कमेटी बनाई। राधिका जी, आज तक राधिका जी आपके पास कंप्लेंट नहीं आई, बात के लिए राधिका जी पुलिस कमिश्नर के पास कंप्लेंट चली गई। पुलिस नहीं, राधिका जी आपके पास कंप्लेंट नहीं आई है, अगर आपके पास कंप्लेंट नहीं आई है, केस दर्ज हो गया है, 164 के बयान हो गए हैं। चलिए अब आपके पास खबर आई है, अब आप ये बताइए, आप एक्सक्यूज के साथ हैं, बच्चे लड़की के साथ हैं, या आप अपने उस कर्मचारी के साथ हैं, आप किसके साथ रहना पसंद करेंगी? पहले तो ये जवाब दीजिएगा। पहले जांच होगी, अगर वो लड़की के साथ, अगर उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो निश्चित तौर से मैं और कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा लीडर हो, उस लड़की मतलब के साथ आपको हुआ है, मतलब आप अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि लड़की ने आपको कहने का तात्पर्य है कि लड़की आप झूठे बयान कर रही है, केस दर्ज कर रही है, अपना ड्यू कोर्स लेगी, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, कंप्लेंट हुई है, बहुत गलत आरोप है, कार्रवाई की तो वेट करिए रूबिका जी, बिना कार्रवाई क्या आप किसी को मुजरिम करार कर सकती हैं? क्या लॉ भी किसी को बिना कार्रवाई, बिना अपने पक्ष दिए कोई इसके ऊपर गंभीर आरोप सकता है? आपने चिराग पटनायक को सस्पेंड किया, छुट्टी पर भेजा? नहीं रूबिका जी, मैं चर्चा में आ सकता हूँ? रूबिका जी, आज उस पर FIR दर्ज हुई है, हमारे पास जब कंप्लेंट आएगी, हमारी पार्टी उस पर क्या करेगी, आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको दोबारा इस बात को बोल रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियसली हर इशू को लेती है, जो भी महिला से रिलेटेड हो। नहीं लेती राधिका जी, नहीं लेती राधिका जी, नहीं लेती, बता रहा है राधिका जी, झूठ कह रही है, आपकी बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ। मेल के बेसिस पर कह रही हूँ कि एक फीमेल कंप्लेन करती है और आपके मेल बॉस के पास, यानी आपके अध्यक्ष के पास वो मेल पहुँचता नहीं है, पुलिस कमिश्नर के पास वो मेल पहुँच जाता है। आप कहते हैं कि हमने कमेटी गठित कर ली, गौरव भाटिया, उस कमेटी के गठन से पहले IT सेल की हेड दिव्या स्पंदना कहती है कि हमारा जो ये वर्कर है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है, ये बहुत गलत बात है, साइन करवाती है 39 लोगों के,
तो उसका अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही हैं तो आप दूसरा सर्टिफिकेट आप इस लड़की को दे रही हैं कि वो लड़की दुष्चरित्र है, वो आरोप झूठे गढ़ रही है, ये बहुत गलत बात है राधिका जी। आज गंभीर मसला क्या है रूबिका जी, मैं आपको बताता हूँ। आप उस पीड़िता के बारे में सोचिए जिसको पूरी जो कांग्रेस एक तरफ खड़ी हो गई है उसका भी सामना करना है और जिस मनोस्थिति में वो आज होगी। कांग्रेस के जो मीडिया सेल के कर्मचारी हैं दिव्या स्पंदना के कहने पे उन्होंने पहले ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरी बात, 11 जून 2018 की कंप्लेंट है, 22 दिन तक कांग्रेस क्या करती रही, क्यों नहीं दिव्या स्पंदना ने इमिजिएटली अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर वो सेंसिटिव होती तो पुलिस में कंप्लेंट देती। तीसरी बात, आज जब प्रथम दृष्टया एफआईआर रजिस्टर हो गई है, 164 का बयान हो गया है, आप पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन उस एम्प्लॉय को क्या निकाल रहे हैं कांग्रेस से या उसको कांग्रेस का समर्थन मिलता रहे? अगर उस लड़की के साथ जो भी गलत हुआ है कांग्रेस ने ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। आप निकाल दीजिए ना गौरव जी, आप तो वकील हैं, कार्रवाई से ज्यादा लोगों को जानते हैं। क्या दोनों पक्षों को अगर राहुल गांधी वाकई महिलाओं का राधिका खेरा, आप कड़ी कार्रवाई मत कीजिए, कड़ी कार्रवाई पुलिस एंड लॉ विल टेक। रूबिका जी ठीक है, आप नरम कार्रवाई कीजिए। आप उस शख्स हमारा जिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उस शख्स को जो उसे घूरता था, जो बहाने ढूंढता था उस लड़की को छेड़ने के, आप नरम कार्रवाई कीजिए और उस शख्स को छुट्टी पर भेजिए। कार्रवाई नहीं करेंगे आप, हम बिल्कुल कड़ी कड़ी का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं नरम कार्रवाई की बात कर रही हूँ। आप छुट्टी पर तो भाजपा नहीं है रूबिका, आप सस्पेंड कर सकते हैं, कड़ी कार्रवाई चिराग पटनायक का जो चरित्र है वो देखिए, उसके खिलाफ कोई कमेटी बनाई नहीं है। चार अप्रैल से शुरुआत करी और 23 मई तक इस तरह का बर्ताव करता रहा महिला के साथ, 1.5 महीने तक शोषण हुआ। देखिए राधिका जी प्लीज, मैं आपको नहीं, अब एक और बार मैंने सुनी कि उसने कंप्लेंट नहीं की है, वो कंप्लेंट राधिका जी उस लड़की ने आपको माफ नहीं किया है, उस लड़के का कैरेक्टर आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपने राहुल गांधी का मेल देखा, आपने कौशल साहब का मेल देखा, आपने मिसेस डालमिया का मेल देखा, आप कैसे कह सकती हैं? यहाँ टू है, यही टू पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाता है, वो टू राहुल गांधी के पास नहीं पहुंच पाता। रूबिका जी क्या डेट है उसके ऊपर? 28 जून मैम, 28 जून 2018 आप कहें तो मैं टाइम भी बता दूं, 9:01। और कोइंसिडेंस देखिए, 26 जून को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि देखिए भारत पहले पायदान पर आ गया है महिलाओं की असुरक्षा के मामले में, और ठीक 2 दिन बाद उनको एक मेल लिखा जाता है उस लड़की की तरफ से जो उनके लिए काम करती है राधिका जी। वो कहती है मुझे छेड़ा जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े कैंडल मार्च निकालते हैं आधी रात को, वो भी आधी रात कैंडल मार्च निकाला जाता है। मंदसौर में सारे चुप रहे, आप लोगों की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कैंडल मार्च जिम्मेदारी से यहाँ पे बोल रही हूँ, इस पे कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और आपको बहुत जल्द 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने उस लड़की ने बयान दे दिया है, कड़ी कार्रवाई अब लॉ करेगा, कानून करेगा। आप नरम कार्रवाई कीजिए, उस लड़के को बाहर का रास्ता। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, दिव्या स्पंदना का करीबी पटनायक अभी तक ऑफिस में कर क्या रहा है, ये वॉर रूम कहलाता है आपका। राहुल गांधी अगर कहीं अगर अपने घर के अलावा कहीं मीटिंग लेते हैं तो वो ये दफ्तर है, वहाँ पर लड़की के साथ बात बोल रही हूँ। कांग्रेस पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन क्या मैं गिनूंगी आप कितनी बार आप कड़ी कार्रवाई कहती है? मैं गिनूंगी बहुत कड़ी कार्रवाई आपने फिरोज खान पर की, मैं गिनूंगी कड़ी कार्रवाई आती है। गीता जी देखिए राजनीति में, रूबिका जी राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति, उनका योगदान, उनकी भागीदारी को लेकर जो प्रश्न हमेशा से उठते रहे हैं, आज जो सवाल उठ के खड़ा हुआ है ये उसी कड़ी में जुड़ा हुआ सवाल है। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक सत्ताधारी पार्टी रही है, सबसे लंबे समय तक देश में सत्ताधारी पार्टी रही है, 50 वर्षों तक जिन्होंने शासन किया,
उनकी पार्टी में अगर इस तरह का विषय उठ रहा है तो उनकी किस तरह की नैतिकता और किस तरह की संस्कृति पार्टी में रहती है, ये उस पर भी एक बहुत बड़ी जो है एक सवाल प्रश्न उठता है। देखिए, जिस पार्टी की अध्यक्षा एक महिला रही हो, जिसने जिस पार्टी ने देश को एक महिला प्रधानमंत्री दी हो, उस पार्टी में इस तरह से महिलाओं को व्हाट इज टू अर्ली संजना, व्हाट इज टू अर्ली, एफआईआर में पटनायक को अक्यूज बताया गया है, आरोपी बताया गया है, बहुत जल्दी किस बात की है, आप कहां खड़ी हुई रूबिका जी? रूबिका जी देखिए, ये एक पूरी साजिश भी हो सकती है। केस के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला था, ये जो कोर्ट और कचहरी का काम है यहाँ पे। देखिए राधिका जी, आपके कैंडल मार्च में आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही प्रज्ञा जी से भी बदतमीजी हुई थी, जिसका रिजल्ट ये रहा था कि उन्होंने थप्पड़ों को उठाना पड़ा था। प्रोफेसर गीता रुकिए, प्रोफेसर गीता रुकिए, प्रोफेसर गीता, राधिका जी हो सकती है, राधिका जी आपकी कैंडल मार्च में हुआ था कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रियंका जी के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उन्होंने खुद उस पर हाथ उठाया था, वो भी कार्यकर्ता कांग्रेस के थे और आपने माना था कि प्रियंका जी के साथ छेड़छाड़ हुई, जिसके एवज में उनको थप्पड़ उठाना पड़ा। अगर आप उसको इतने इस कदर हुआ कि आपने उसको मारा, वो बच्ची के लिए आप उसके अगेंस्ट में उस व्यक्ति का आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला रहे हैं, तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि बच्ची का कैरेक्टर या उस लड़की का कैरेक्टर खराब है, ये आप इस तरह से साबित कर दिया। आप अभी भी एडमिट करने को तैयार नहीं है कि आप ही की कैंडल मार्च में प्रियंका जी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा। मैंने कहीं भी उस लड़की के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाया, मैंने बार बार कहा है उस लड़की के न्याय के लिए हम बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे। रूबिका जी, मैं आप कहां साथ खड़े? राधिका जी, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है आज कांग्रेस को डिफेंड करना, दिव्या स्पंदना को डिफेंड करना, पर छोड़ दीजिए उनको, आज एक महिला के नाते डिबेट कीजिए। आज उस लड़की के साथ कहां है राहुल गांधी? वेयर इज राहुल गांधी? अभी तक एक ट्वीट क्यों नहीं आया राहुल गांधी का? हर बात पे ट्वीट करते हैं ना राधिका जी, राहुल जी के ट्वीट से बेटी, चलता है क्या? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर इंडिया कहां स्टैंड करता है? राइट हैंड है दिव्या स्पंदना, और दिव्या स्पंदना का राइट हैंड राहुल पटनायक, कहां है? कहां है पटनायक पहले ये बताइए, और राहुल गांधी का एक्शन कहां है राधिका के खिलाफ? मुझे ये बताइए, जब उनके लोग इस देश की लड़कियों का रेप करते हैं, क्या प्रधानमंत्री एक महिला होने के नाते आप प्रधानमंत्री को आज छोड़ दीजिए? मैं आपसे कहती हूँ आज स्टैंड बाय द वुमन, प्रधानमंत्री पर डिबेट चाहती है आप, मैं दो घंटे ताल ठोक के कार्यक्रम कर लूंगी, आज उस बच्ची का साथ दीजिए राधिका खेरा। मुझे ये बताइए, दिल पर हाथ रखिए अपने, एक महिला होने के नाते दिल पर हाथ रखिए, दिल पर हाथ रखिए, क्या राहुल गांधी को इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलेंगे, जब कार्रवाई हो जाएगी बिल्कुल आपको कार्रवाई आएगा। उनकी पार्टी के एक रसूखदार लड़के पर एक लड़की ने आरोप लगाया, राधिका खेरा कब बोलेंगे उनकी? जब कार्रवाई राहुल की कोठरी पर उस लड़की ने आरोप लगाया कि मुझसे लड़का छेड़खानी करता था, गलत गलत तरीके से हमेशा मुझे छूने की कोशिश करता था, और दिव्या स्पंदना राहुल गांधी की राइट हैंड बचाव कर रही है उस आदमी का। सही लड़की होती, एक सेकंड, चीज पे सही लड़की होती करेंगे। जब पहली बार हाथ लगाते तब भी थप्पड़ दे पाती आएगा। अगर लड़की पर कोई सवाल खड़े नहीं करेगा संजना, आई एम टेलिंग यू, अभी नहीं, अगर अभी नहीं, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है संजना, लड़की पर कोई इल्जाम नहीं, कोई लड़की अपनी इज्जत के साथ ऐसे खुलेआम खिलवाड़ नहीं करेगी संजना, आपको शर्म आनी चाहिए आज। जिम्मेदाराना बयान दे लड़की की कैरेक्टर पर सवाल खड़ी कर रही है, वो बेचारी इतने पन्नों में अपनी आप बीती बता रही है संजना, और आप लड़की के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर रही है? पीड़न होता है, समय लगता है। अरे यार सी, आई एम टेलिंग यू दिस एज आप देखिए, ये चर्चा का स्तर बना दिया इन्होंने। नो आई एम सॉरी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू एज एन एक्ट्रेस, बिकम अ वुमन फर्स्ट, जब आप बात कर रही हैं। आप लड़की की हिम्मत देखिए, उसने कितनी हिम्मत जुटाई होगी इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, देश की सबसे अगर स्ट्रांग पार्टी के, मजबूत पार्टी के अगेंस्ट जाकर अगर वो बात कर रही है, तो आप उसकी हिम्मत की हौसला अफजाई कीजिए कि अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है, आप उसके कैरेक्टर को एक तो ना उछालें, दूसरी बात नहीं, ये बहुत गलत बात है संजय, तुम एक्ट्रेस हो, सबसे ज्यादा गंदगी अगर देखी जाती है तो तुम्हारी फिल्म लाइन में देखी जाती है। वो लड़की चाहे वो संजना हो, सबसे ज्यादा राधिका खेरा हो, माया जी संजना सबसे ज्यादा गंदगी होती है। माया जी, लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
39 लोगों की संजना सबसे ज्यादा तुम साउथ की हो ना, सबसे ज्यादा लड़कियों का एक्सप्लोइटेशन साउथ की थी में होता है। सवाल साइरस जो लड़कियां आई हो तुम उनको इस चीज में काम नहीं देते हो। हम कहां रह रहे हैं? थप्पड़ मिलता है कोई भी आके एक्सप्लोइटेशन करने की कोशिश करता है? थप्पड़ देते हैं वो आ नहीं देता। आप हो सकती है वन प्लीज प्लीज, आप जितनी बोल्ड है जरूरी नहीं है कि हर लड़की उतनी बोल्ड हो। आप थप्पड़ मार सकती है, जरूरी नहीं है कि हर लड़की थप्पड़ मार ले। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बोल्ड और शाय दोनों में बहुत अंतर होता है। रख सकती हूँ क्या? आइए आप दिखाते हैं हम आपको कितने। सारा शालीन, साउथ इंडिया इज द मोस्ट एजुकेटेड पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई बात नहीं करने वाला साउथ की लड़कियां मैडम, लड़की के कैरेक्टर पर संजना आ अभी आपके साउथ से ही एक बहुत सारी हीरोइन का निकल कर आया था। सबसे ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन साउथ की हीरोइनों के साथ होता है। मैं हैरान हूं क्या बात करती हैं संजना। संजना आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती है पूरी दुनिया में? तो बॉम्बे में क्या दिन में अम्मा बोलते हैं, रात को सोने के लिए बुलाते हैं? आपके साउथ से निकल कर आए थे अपनी साउथ की हीरोइनों का बयान, लेकिन जिन्होंने बोला उनको भी नहीं दबा दिया जाता है। सायरा शालीन आप शायद खुद की बात कर रही हैं। अच्छा, do not make it personal संजना, now enough, I am telling you, I am warning you। मैं पहले कह चुकी हूँ लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाकर, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? आप सेकंड दिव्या स्पंदना बन रही है? 39 लोगों के सिग्नेचर करवा के ये लड़का बहुत अच्छा था बताने की कोशिश कर रही है आप? नहीं नहीं रूबिका, रूबिका मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। रूबिका रखिए अपनी हमदर्दी अपने पास, रखिए अपनी हमदर्दी अपने पास। नहीं चाहिए उस लड़की को, पूरा देश है उसके साथ। नहीं चाहिए उस लड़की को आपकी हमदर्दी संजना। सायरा शाहली रूबिका मैं तो ये कहूंगा वी आर ऑल शॉक्ड कि संजना ने इस तरह की बात कही है। एक महिला के साथ ऐसी घटना होती है, उसके साथ खड़े होने के बावजूद उसके साथ नहीं खड़े हो रहे, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे। दूसरी बात आप ये बताइए, क्यों हम ना एक्सपेक्ट करें कि राहुल गांधी, एक महिला उनके ऑफिस में काम करती थी, कम से कम उससे बातचीत करके उसको एश्योरेंस देते कि कार्रवाई होगी। और पूरी कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था आज इस महिला के साथ, और वो खड़े हो रहे हैं जो एक्यूज्ड है। तीसरी बात, ये इतना गंभीर अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें अरेस्ट हो सकती है, 3 साल की सजा है। इस तरह के गंभीर आरोप होने के बावजूद उसको आज भी कांग्रेस के ऑफिस में कार्य करने दिया जा रहा है? क्यों नहीं आप उसको कांग्रेस ऑफिस से निकालते हैं और इस महिला के साथ खड़े होते हैं? मैं सबसे पूछ लेती हूँ इसका मत। आप कह रहे हैं हम किसी के साथ नहीं, ठीक है सायरा शाह अलीम, इसका क्या मतलब होता है? द टीम हैज ऑल्सो कम आउट एंड एक सेकंड प्लीज सायरा शाह अलीम प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम आस्किंग। राधिका खेरा कह रही है हम किसी के साथ नहीं है, हम जो विक्टिम है उसके साथ खड़े हैं, तो इसका क्या मतलब है? दिव्या स्पंदना लिखती है द टीम हैज ऑल्सो कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द करंट वर्कर बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम। The team has also recalled some of their conversation with the ex-worker and has no reason to believe that the current worker could have misbehaved with the ex-worker. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं रूबिका जी, FIR दर्ज हो चुकी है, लड़की ने अपना वर्जन दिया है और दिव्या स्पंदना अगर संस्था बड़ी हो या छोटी हो, अगर संस्था बड़ी हो छोटी हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जो है बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम कर रही हूँ और बकायदा HR पॉलिसीज होती हैं कि जहाँ इस तरह की जो कंप्लेंट दर्ज अगर की जाती है, इमिडिएटली जो एम्प्लॉई होता है वो सर्च कर दिया जाता है। तो क्या है यहाँ पे, हम लोग एक तो सबसे पहले कैरेक्टर क्वेश्चन कर रहे हैं लड़की का, वो पीड़ित महिला है और महिला होने के नाते मैं हर पीड़ित महिला के साथ खड़ी हुई हूँ, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी से। सबसे पहले तो नहीं, मैं बहुत मुझे ना मैं गुस्से में भी और मैं मायूस हो गई, मैं मायूस हो गई। महिलाओं का इतना बड़ा पैनल लेकर मैं बैठी हूँ और महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं संजना, व्हाट अ शेम। जब कोई राजनीतिक दल ऐसी कंप्लेंट को
आई एम विद द विक्टिम, लेकिन विक्टिम को बहुत बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। साजिश हो गई है, साजिश कर रही है वो। यू हैव टू गेट एक्यूमुलेटेड दिखाई देना चाहिए ना कि कोई भी कुछ भी बोल दे। नहीं, यू हैव टू गेट एक्यूमुलेटेड दिखाते हैं कि दे आर विद द एक्यूज एंड दे आर प्रोटेक्टिंग बनाने के पहले। राधिका, राधिका मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। राधिका घेरा मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। मैं बहुत वीक हूँ अंग्रेजी में, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। जरा आईटी सेल हेड जो है ना दिव्या स्पंदना की इस लाइन का मतलब मेरे लिए तर्जुमा कर दीजिए प्लीज। मेरे लिए हेल्प मी आउट राधिका, आई एम अ वुमन, यू कांट हेल्प अनदर वुमन बट हेल्प दिस वुमन। इसका मतलब क्या है? द टीम हैज ऑल्सो रिकॉल्ड सम ऑफ द कॉन्वर्सेशन विद द एक्स वर्कर एंड हैज नो रीजन टू बिलीव दैट द करंट वर्कर कुड हैव मिसबिहेव विद द एक्स वर्कर। इसका क्या मतलब है राधिका? व्हाट डज दिस मीन? मुझे हिंदी में बता दीजिए। देखिए रूबिका जी, लड़की ने कंप्लेन करी है, एफआईआर लॉज हुई है। इस लाइन का हिंदी में बोल रही हूँ, मैं आपको हिंदी में ही बोल रही हूँ, आप मुझे समझा दीजिए। मुझे ये लाइन समझा दीजिए दिव्या जी, क्या कहना चाह रही है, तात्पर्य क्या है कवित्री का? देखिए रूबिका जी, लड़की ने कंप्लेन करी, एफआईआर लॉज करी। जब उसने एफआईआर लॉज करी, उसने आज जज के सामने अपना बयान दे दिया है। जो दिव्या स्पंदना जी थी उनका जो वर्जन था उन्होंने दे दिया, क्या है इसमें लॉ अपना कोर्स लेगी। और रही बात जो भी विक्टिम है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस पार्टी मुझे इस किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का अन्याय कभी ना सहा गया है और ना जाएगा। और राधिका जी, देखिए कानून मुझे दर्ज हो गया है, इतने डिबेट राधिका जी, मैं ना आंख ना कान बंद करके आराम से रटे हुए बयान बोल सकती। राधिका जी, केस दर्ज हो गया है, कानून अपना काम करेगा। चूंकि 164 का बयान हो गया तो एक कानूनी प्रक्रिया से निकलकर रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम महिला होने के नाते और आप भी महिला, हम आपसे अपेक्षा करें कि आप अपनी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं, तो आप ये भी तो बता सकती हैं कि अगर केस दर्ज हो गया और बच्ची के साथ उत्पीड़न हुआ है, तो एक दूसरी महिला उस अपराधी की, जिसको मैं अपराधी तो खैर अभी नहीं बोलूंगी, लेकिन जिसके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज हुई है, दोषी थोड़ी कोई कह रहा है, आप एटलीस्ट आप उसके खिलाफ कुछ तो स्टैंड लेंगी ना, क्या आप उसका कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे? आपकी जो सीनियर है ली जाएगी कांग्रेस पार्टी में, महिला राधिका के साथ बदतमीजी करने वालों की कोई भी जगह नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट महिला है, ठीक है, आप बहुत बहुत पेशेंस के साथ सवालों को सुन रही हैं। मुझे आई कैन फील इट, ये बहुत डिफिकल्ट है आज आपके लिए। भाई पार्टी का डिफेंड इसमें कैसे करेंगे, दिव्या स्पंदना को कैसे बचाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं ये समझ पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज रख दीजिए प्रवक्ता पद को आज की तारीख में, महिला होने की कार्रवाई अपनी राहुल गांधी को क्या आपको सलाह नहीं देना चाहिए? महिला कांग्रेस के लिए कार्य कर रही थी, आज वही सुरक्षित नहीं है और उस पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन क्या आप यही उम्मीद कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो आज इस देश की लड़कियां पीड़ित हैं, क्या उनके साथ ऐसा किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से सारे सवाल पूछेंगे। मेरे सवाल का जवाब तो देंगे। क्या जूही जी कहां पे है बताइए, क्या राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है जाके महिला से मिले, उसको आश्वासन दे कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और कहे कि उचित कार्रवाई होगी, क्या ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है? सब बोलने से क्या हो जाएगा? राधिका खेरा करेंगे कितनी दफा कड़ी कार्रवाई, सवाल सख्त से सख्त एक्शन ले लेना जी। ये कितना आसान है क्या देना राधिका जी? मैं तब तक तीन, मैं रेखा अग्रवाल के पास जा रही हूँ, जूही सिंह साहिबा जो बैठी हुई उनके पास भी जा रही हूँ, और मेरी जो बाकी प्रवक्ता हैं गीता, प्रोफेसर गीता बैठी उनके पास। तब तक मैं आपको मौका दे देती हूँ, सोच लीजिए, मैं सवाल पहले से आपको लीक कर देती हूँ। सवाल यह है कि आज राधिका खेरा जी न्यूज के माध्यम से राहुल गांधी को, क्योंकि मेल तो आप करेंगे वो पढ़ेंगे नहीं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी को करेंगे वो भी नहीं पढ़ेंगे, तो आप जी न्यूज का इस्तेमाल कर लीजिए, आज उनको राय दे दीजिए इस मसले पर करना क्या चाहिए। मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सोच समझकर आराम से इत्मीनान से वो अपनी लाइनें तैयार कर लीजिए। लेकिन जूही जी, मुझे वो अंग्रेजी का जो हिंदी तर्जुमा था अब तक समझ में नहीं है, दिव्या स्पंदना कहना क्या चाहती हैं उन चार लाइनों के माध्यम से? रूबिका जी, राधिका जी के लिए बहुत कठिन है, और ये बात सही है कि वो एक प्रोफेशनल प्लेस था, और पैनल पे कहा गया है कि वहाँ तो ऑलरेडी एक कमेटी होनी चाहिए थी जहाँ किसी तरह की अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो एक रेगुलर रीएड्रेसल होना चाहिए था ग्रीवेंसेस का, तो क्यों
अगर आज वो लड़की जा गई है कोर्ट में, ये आप कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही, लेकिन ये तो बाय लॉ प्रोवाइडेड है कि आप उनको हटा दें वहां से, उनके वहां रहते कैसे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? ये तो एक एक्शन प्रोवाइडेड बाय लॉ है, ये तो कांग्रेस पार्टी को करना ही चाहिए और मुझे लगता है हर पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि जो आपने कहा जी देखिए सबसे बड़ा अधिकार जी बार बार आपसे एक सवाल करा जा रहा है कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो सकती हैं पार्टी की या जो भी है, लेकिन उससे पहले आप महिलाएं और हम सभी महिलाएं आज इस पैनल में, एक भाटिया जी को छोड़ दें क्योंकि भाटिया जी अपनी पार्टी को जाके उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन एक मामला 164 का अगर बयान हो गया, लड़की का केस दर्ज हो गया, अब भाई आप इसके बावजूद अगर वो लड़की एक महीने से या 15-20 दिन से आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, मिन्नतें कर रही है, खुशामद कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, अगर आप उस पर कोई भी सम्मानित अधिकारी आपकी राजनीतिक पार्टी का कोई उस पर संज्ञान नहीं लेता, ये बेहद शर्मनाक बात थी। अगर इसका सबसे अच्छा पहलू वो निकल कर आता राधिका जी के वो जो मैडम उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला रही हैं लड़के का, वो जाके खुद जाके उसके खिलाफ केस दर्ज करके एक एग्जाम्पल सेट करती, तो आप आज के समय में मोदी जी पे और प्रधानमंत्री जी पे जो बार बार सवाल दागे दा रही हैं, तो आपका मुंह होता वो उस तरह का सवाल करने का, क्योंकि वो आप एक बहुत अच्छा गोल्डन मौका, सुनहरी मौका खो चुकी हैं, तो आज ये सवाल आपको देना पड़ेगा कि आपकी पार्टी को जिसको आपने एक सम्मानित पद दे रखा है वो होती कौन है? एक महिला को इस तरह का सर्टिफिकेट दिखाने वाला? गौरव भाटिया, मैं सर वो मेल पढ़ रही हूँ, कुछ कुछ ऐसी लाइनें हैं जो मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए। जब जब इस तरह की पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ रूबिका जी, जब इस तरह की चर्चा होती है तो मैं समझता हूँ राजनीतिक जो हमारा पहलू है उससे ऊपर उठ के बात होनी चाहिए। अभी भी गलती सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि खुद उस महिला से राहुल गांधी मिले या कोई सीनियर आदमी मिले, उसके साथ खड़े हों, उसको आश्वासन दें कि हम इंश्योर करेंगे आपको इंसाफ मिले। दूसरा जो एक्यूज्ड है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती उसको सस्पेंड करना चाहिए। हाँ। उसके बाद अगर वो बरी हो जाता है तो आप वापस रखिए, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और कांग्रेस को इस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। यस राधिका जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? एग्जैक्टली राहुल गांधी तक कोई मैसेज पहुंचाएंगी राधिका खेरा? देखिए राधिका जी, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ, मुझे कोई मैसेज उन तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो किसी भी महिला के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे, और ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। मैं बार बार आपको एक बात बोल रही हूँ कि आपको अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है, कांग्रेस पार्टी में किसी भी महिला के साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये मैं आपको आज गारंटी दे रही हूँ, और आपको आने वाले दिनों में सब कुछ सामने भी आ जाएगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कांग्रेस पार्टी का चाहे बिल्कुल एक कमेटी गठित हो चुकी है और उसकी पे कार्यवाही चल रही है। उनके लिए क्या किया गया? राहुल गांधी कहाँ? कार्यवाही चल रही है और उसका नतीजा आपके पास जल्द सामने होगा। कितना जल्द? आप थोड़ा वेट तो करिए, जब आप इतने साल 4 साल से ये देश वेट कर रहा है, चौकीदार जी ने जो वादे किए थे महिला सुरक्षा को लेकर 4 साल से इस देश की बेटियां पीड़ित है, आप 4 दिन तो दीजिए, आपको बहुत जल्दी नतीजा मिल जाएगा। कंपैरिजन करने से आपको लगता है? मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, नहीं समझ है जब आपको के पीछे चले जाएंगे, वही पर आज छोड़ दो सारा राज हो सकती है, ये जो एक एक दिन महीना ये उस महीला पे भारी होगा, और आप कह रही है 4 ही दिन में, ये तो आपकी मानसिकता है, बड़े छोटे साथ के कहना पड़ रहा है। पीड़िता अगर है तो उसको न्याय दीजिए, जब उस पीड़िता को आपकी जरूरत है तब आप उसके साथ नहीं खड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रवक्ता आपको ये जो भी विक्टिम होगा वो ये सारा न्याय होगा और कड़ी बाकियों को 1 मिनट देती हूँ, रेशियो 4:1 का रखूंगी, आज उस लड़की के लिए खड़े हो जाइए, आज 40 सेकंड ऐसा तो कुछ कह जाइए कि देश को लगे कि वाकई आप लोगों का जो विश्वास है राहुल गांधी में वो अंधविश्वास नहीं है, वो विश्वास है। प्रोफेसर गीता, रूबिका जी, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ, शायद आपको समझ नहीं आ रही है, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, वी विल मेक श्योर उसको न्याय मिलेगा, कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी है। हाँ। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उसका उसके साथ खड़ा मिलेगा, जो कि अक्यूज्ड है। रूबिका जी, कमिटी गठित हो चुकी है जिसका नतीजा आपको बहुत जल्द, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है, हमारे लिए सब बराबर है, जब तक पूरा जब
समझ रहा है, जो न्याय बिल्कुल होगा, न्याय बिल्कुल होगा यहाँ पे, किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके की कोई भी गलत चीज ना बर्दाश्त करी गई है ना करी जाएगी। सेंटेंस को आप दोहराएंगी क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं, सारे और केसेस दोहरा दिए जाएंगे, समय तो लगता है न्याय प्रक्रिया में। आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आइए, मैं बिल्कुल महिला की सुरक्षा के लिए आगे हूँ, मैं ही महिला हूँ और बिल्कुल महिला की सुरक्षा के लिए आगे हूँ। मुझे बार बार ये बात जताने की कोशिश करिए कि मैं महिला विरोधी हूँ, मैं महिला हूँ और बार बार महिला की सुरक्षा के लिए बोलती हूँ और महिला की सुरक्षा के लिए बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी भी सुरक्षा है। आप गलत राजनीति मत दीजिए, सच्चाई है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हर लड़की के साथ खड़ी है, किसी के साथ गलत नहीं होने देगी। आप सिर्फ महिला 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 बोले जा रही है, बट आप हाँ क्या, एक सेकंड सुने जरा, हाँ क्या ज्ञान है आपका, एक सेकंड क्या, कैन आई प्लीज रीड आउट अ नोट जो दिव्या स्पंदना ने ट्विटर में डाला है और मैं आपके लिए कन्वर्ट कर दूंगी हिंदी में। प्लीज गो अहेड। द कंप्लेंट कमिटी डज नॉट हैव एनी कंप्लेंट रिटन वर्बल ऑफिशियल अनऑफिशियल फ्रॉम द एक्स वर्कर, नीदर डू वी हैव एक्सेस टू द कंप्लेंट द रिपोर्टर वाज टॉकिंग अबाउट। उनके पास इस पर्टिकुलर, उससे पहले वाली लाइन पढ़ी है संजना जी, उससे पहले वाली लाइन पढ़ी है जिसमें लिखा है वी रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम वन ऑफ आवर टीम वर्कर्स हु स्टेटेड दैट वन ऑफ आवर एक्स वर्कर्स हैड गिवन अ रिटन कंप्लेंट एलिजिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट। संजना की प्रवक्ता के तौर पर आई है, मैं लिख देती संजना, मुझे पता होता तो नहीं। रूबिका जी उससे पहले वाली लाइन नहीं पढ़ रही कि एक ईमेल उनके संज्ञान में आ चुका है, देखिए ये नहीं पढ़ रही है, के बीच में है, ये मैनिपुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। बहुत दुखद है कि एक महिला आके इस तरह से एक एक्यूज को डिफेंड कर रही है राष्ट्र चैनल। आरोपी और दोषी में अंतर पता है आपको, रेखा जी प्लीज समझा दीजिए, प्लीज समझा दीजिए। आरोपी और अभियुक्ति कहा जाएगा उसको, देखिए 164 के बयान हो गए तो वो आरोपी हो गया संजना जी, संजना अगर एफआईआर दर्ज हो गई कोर्ट में 164 हो गया तो वो आरोपी है, उसको अरेस्ट होना चाहिए, आरोपी ही है और उसको अरेस्ट होना चाहिए। आरोपी क्या बनाना, वो तो आरोपी है ही, उसको अरेस्ट होना चाहिए 164 के बयान के बाद। एक आरोपी पर मिडनाइट मार्च निकाल देंगे राहुल गांधी, रेखा अग्रवाल, एक आरोपी पर मिडनाइट मार्च निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आरोपी है दिव्या स्पंदना, ये नहीं कहना चाह रही थी, प्लीज इट इज शेमफुल, शर्मनाक है ये, एक महिला का इस तरीके से एक लड़की के कैरेक्टर को असैसिनेट करना इनडायरेक्टली शर्मनाक है। रूबिका जी मुझे लगता है कि संजना का ये सारी की सारी डिबेट जो है दिव्या स्पंदना से उनकी मजबूरी है, वो डिफेंड कर रही है, लेकिन ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला आज एक आरोपी के साथ खड़ा होना प्रेफर करती है राधा की वो महिला के साथ खड़ी है। किसी भी नो आई विल नॉट आई डोंट नीड टू सपोर्ट एनी ऑफ योर पार्टीज और आप बीजेपी वाले या आप कांग्रेस वाले बहुत ही अच्छी तरह से अपने पापड़ सेक रहे हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज काइंडली अगर गलती हुई है तो आरोपी को अपराधी बनाना एकदम 100% नहीं, नहीं, आपने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का एक प्रयास किया था पीड़िता को, वो अपने आप में शर्मसार करता है पूरे देश को कि आप एक पीड़िता को कहती हैं कि उसने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं करी, उसकी मनोस्थिति के बारे में आपने कभी सोचा, उसके लिए कितना मुश्किल समय रहा होगा ये सोचा। बहुत समझदार व्यूअर है, यू आर नॉट अ कोर्ट, देश का आदमी बहुत समझदार है, आप तीन सेंटेंसेस में पता लगा देगा खुद ही जज, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका तात्पर्य क्या है। रेखा अग्रवाल प्लीज, रेखा अग्रवाल होता किसी का भी नाम, रेखा अग्रवाल पूरा टाइम कैरेक्टर असैसिनेशन और उसके बाद ये कहना कि हम विक्टिम के साथ खड़े हैं और एक महिला वो भी। देखिए सारा के सारी जो आपकी डिबेट है उसके अंदर मैं समझ सकती हूँ कि हम अननेसेसरीली जो है वो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। कानूनी पोजीशन ये है कि एक बार किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई, प्रथम दृष्टया अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो गई तो वो व्यक्ति आज आरोपी है, माना कि वो दोषी नहीं है, आज वो कॉन्विक्ट नहीं है, पर आरोपी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, वो भी कांग्रेस पार्टी के किसी वर्कर के ऊपर आज ये किसी वर्कर ने अगर ये शिकायत करी है तो मुझे लगता है कि इस
सारे मामले को बहुत ही गंभीरता से रहना चाहिए। ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, ये किसी महिला की अस्मिता का मामला है। और जिस तरीके से कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करती है उसके अंदर ये गलत है। आज जो बहुत शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी के इस दफ्तर के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अभी तक गठित नहीं करी गई थी, जो करी गई वो भी एक सिंपल आईवॉश, सिर्फ एक दिखावा करा गया। वो भी कैसा सिर्फ गनीमत ये है और बहुत खुशी की बात है। और सिर्फ खुशी की बात ये है, खुशी की बात ये है, देखिए खुशी की बात ये है कि आज 164 का बयान जो वर्कर जो 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 आज पीड़िता महिला है, कम से कम मैं तो हैरान हूँ कि, और बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आज वो महिला जो है उसकी 354 की जो FIR है, 354 इंडियन पिनल कोड के तहत उनकी जो FIR है वो दर्ज हो गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। निर्भया केस के बाद में कानून इतना बड़ा हो गया है कि आज उनकी FIR दर्ज हो गई और आज 164 का बयान हो गया। तो मैं अपने कानून के अंदर ये उम्मीद करती हूँ कि जो आरोपी है वो जरूर एक दिन दोषी भी साबित होगा। रेखा अग्रवाल, हम यही उम्मीद करते हैं। माई डी, आई एम सॉरी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, ये उम्मीद करते हैं। ये खुशी की बात है कि ये केस जो है लॉज हो गया है, अब आगे की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि दो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और इनडायरेक्टली डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, इनडायरेक्टली उस लड़की के कैरेक्टर को असैसिन करके। कहा गया कि ये साजिश भी हो सकती है, एक महिला के द्वारा साजिश हो सकती है। स्वामी, कोई महिला अपने साजिश नहीं कर सकती अस्मिता। माया जी, मुझे अब डिबेट खत्म करना है, लेकिन सशक्तिकरण को लेकर स्वामी विवेकानंद ने कुछ चार लाइनें कही थी। राहुल गांधी कृपया ध्यान दें, अभी भी वक्त है, ट्वीट कीजिए और उससे पहले एक्शन ले लीजिए उस शख्स पर जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश की प्रगति का सबसे बेहतर पैमाना पता है क्या है? देश अपनी महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा करता है। जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। आपके पार्टी का भी कोई कल्याण नहीं हो सकता अगर आपकी पार्टी की महिलाओं का कल्याण और उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप